मैं हूं बुशरा इनाम, देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो हम आ गए हैं न्यू एक्सरसाइज पर जो कि है 5.5। एंड होप कि आपको फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी एंड आपने प्रैक्टिस भी अच्छी अच्छी की होगी। नाउ आगे बढ़ते हैं एंड आगे प्रैक्टिस का टाइम आ गया है, अब न्यू चीज़ सीखेंगे जो कि है हमारे पास टाइप 6। ठीक है, तो हम लोग अपने 5 तक टाइप्स कर ली कि किस तरह से हम लोग 5 तेरह के जो फैक्टराइजेशन है उनको सॉल्व करेंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं, तो चलिए अब हम लोग 6 टाइप सीखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्यूब का फॉर्मूला है एंड अगर आप बोलेंगे ओ मैम हम तो क्यूब का फॉर्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पर जो है दूसरा क्यूब का फॉर्मूला है। तो जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं वो हमारे पास क्या था एंड जो अब हम पढ़ रहे हैं वो क्या था, अगर हम लोग पहले देखें तो हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, ए प्लस बी होल क्यूब ए माइनस बी होल क्यूब। बट अब हम लोग ये वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ रहे, अब हम जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं वो न्यू है, वो है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब अगर आप देखें तो ये फॉर्मूला भी हम पीछे पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है। और यहाँ पर इसका हमारे पास ओपनिंग क्या थी, इसकी ओपनिंग थी a प्लस बी एंड ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। तो याद रखिएगा फॉर्मूले को, एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब एंड ऑफकोर्स प्लस में है तो माइनस में तो हो गई होगा, बिकॉज प्लस एंड माइनस दोनों क्या है, एक सिक्का है जो कि एक साइड है प्लस दूसरा साइड है माइनस, तो दोनों सिक्के ही होते हैं हमेशा। एक फॉर्मूला जो होता है वो प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है, ए माइनस बी हो जाएगा एंड ए स्क्वेयर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वेयर हो जाएगा। तो हमेशा ए प्लस और माइनस में डिफरेंस जो है वो उसको बरकरार रखिएगा, ख़त्म ना कीजिएगा। अब ऐसा हो कि आप प्लस ले रहे हैं तो इधर प्लस लेंगे होल प्लस ले लेंगे, नो ठीक है। ध्यान में रखिएगा कि ये माइनस होता है प्लस के फॉर्मूले में एंड माइनस के फॉर्मूले में सिर्फ यहाँ पे माइनस होता है, बाकी सारा का सारा जो होता है वो प्लस होता है, ठीक है। तो होप कि आपको याद हो गया होगा, अगर याद नहीं है तो अभी फौरन तौर पर वीडियो को पॉज करें एंड इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, इसको याद कर लें, इसको लिख लें। एंड जैसे मैंने आपको बताया है कि सारे जो फार्मूलाज हैं उनकी आपको एक जो है लिस्ट बनानी चाहिए, ठीक है। लिस्ट बना लें एंड जब भी आप मैथ उठाएं उससे पहले वो लिस्ट को एक दफ़ा रीड आउट कर लें एंड देन स्टार्ट कीजिए, एंड होप फिर आपकी जो सारी वो है फॉर्मूले हैं वो आपके दिमाग में रहेंगे। तो इसी के साथ आज की जो इंट्रोडक्शन है वो इतनी ही थी, क्योंकि और कुछ है नहीं इंट्रोडक्शन में। तो अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी 5.5 एक्सरसाइज। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो इट्स नॉट अ गुड बात, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें भाई, हमें सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा चाहिए। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड अपने क्लास वालों के साथ भी शेयर करें एंड बाकी जो लोग हैं उनके साथ भी शेयर करें, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़ पाए और उनकी प्रॉब्लम जो है मैथ की वो सॉल्व हो पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जिनको किसी किसी की ही समझ आती है मैथ्स में, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो जो ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और ये अच्छी बात भी है अच्छी चीज़ों को शेयर करना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड इसी के साथ जैसे कि आपको बताया हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी हैं तो आप उसको भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। तो अब और बातें नहीं करते हैं, चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सो इसी के साथ हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो अगर यहाँ पर देखिए तो हमें बहुत ही मैं क्या बोलूँ बहुत ही प्यारा सा बहुत ही क्यूट सा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन गिवन है जिसे हम बोलते हैं ए क्यूब माइनस 27। जैसे कि हमें पता है कि 3 हमें क्या देता है क्यूब में 27 देता है, तो हम लोग यहाँ पर 3 का क्यूब यूज़ करेंगे एंड हमें फॉर्मूला भी पता है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड यहाँ पर लिख देंगे एज वी नो ए क्यूब माइनस ए माइनस बी ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसका क्यूब बनाते हैं, ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस ये हो जाएगा 3 का क्यूब, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको हम ओपन कैसे करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास ए माइनस 3, ठीक है। एंड ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर और ये हो जाएगा a और 3। अच्छा a और 3 को दोनों को एक साथ लिखेंगे 3 हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर है हमारे पास तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो 3 का स्क्वायर है इसको ओपन कर देंगे, दैट्स ऑल हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। a माइनस 3 हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 3a और ये हो जाएगा प्लस 9 एंड दैट्स ऑल, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास आंसर हो गया है। बहुत ही ज़्यादा इजी था, देखें हमने कुछ भी नहीं किया इसमें, बस ये फॉर्मूला मुझे याद था और मैंने अप्लाई कर दिया एंड दैट्स ऑल, ठीक है। लेकिन ये नहीं आप बोलेंगे मैम आप तो टीचर हैं इसलिए आपको याद है, लेकिन
ये आपको भी याद करना है, जैसे मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया इसको याद करना है, इम्पॉर्टेंट है इसीलिए, ठीक है। और पुटिंग भी आनी चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ फॉर्मलेस काम चल जाएगा, नहीं, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, जो मैंने आपको पूरे समझाया ना इतना ज़्यादा, वो क्लियर होना चाहिए। तो चलिए हमारे पास आंसर आ गया, ना चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। तो आ गए क्वेश्चन नंबर टू पर, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, A6 प्लस B6 है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्यूब में चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा A, हम लोग अगर लेंगे A स्क्वायर पे A क्यूब ले लेंगे, एंड प्लस B स्क्वायर पे B क्यूब ले लेंगे, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, एज वी नो। अब अगर मैं कह रही हूँ कि एज वी नो, तो आपको भी नो होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है, इक्वल टू व्हाट, a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए इस माइनस में गलत ना होइएगा, मैं बार बार बता रही हूँ, क्यों, क्योंकि हम लोग भी जब अपने टाइम में करते थे तो हम लोग से प्लस माइनस जो है भूल जाता था, ठीक है, कि यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस होगा, हो फिर हम लोग उसी में बैठे रहते थे, एंड देन वी गॉट रॉन्ग, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो चीज़ होती है इसको आपने क्या करना है, याद रखना है। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि हमारी टीचर का, अच्छा इसी के साथ मैं किस्सा भी सुनाती हूँ, ठीक है ना। तो एक दफ़ा क्या हुआ, टीचर हमारे रोल नंबर पूछ रही है, तो हमारी यूनिवर्सिटी के रोल नंबर होते थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे, कि जैसे कि वो ना 1 2 3 4 5 6 लफ्ज़ के, वो 5 या 6 नंबर के ना वो हमारे पास रोल नंबर होते थे। तो अब वो क्या होता था, टीचर ने रोल नंबर सबसे, टीचर अब हमें बुला रही है, वो हमें बोल रही है कि हम, मैं ना तुम लोगों से रिवीजन पूछूंगी पीछे सेमेस्टर का। तो अब वो सबको रोल नंबर वाइज बुला रही है, तो उस ज़्यादा लोगों को ना रोल नंबर नहीं आता। अब क्या हुआ, टीचर रोल नंबर बोल रही है, वो उठ नहीं रहा, हालांकि वो क्लास में बैठे हुए, ठीक है, लेकिन वो उठ नहीं रहा, क्योंकि उनको रोल नंबर नहीं आते, क्योंकि पेपर के टाइम सब रोल नंबर स्लिप को देख के ना रोल नंबर पेपर में एंटर करते हैं। तो अब क्या हुआ कि टीचर बुला रही है, कोई उठ नहीं रहा, तो टीचर ने क्या बोला, कहते हैं रुक जाए, कहते हैं कि अच्छा आप लोग को अपने रोल नंबर नहीं आया, 3 साल हो गए आपको रोल नंबर नहीं आया, ठीक है। आगे क्या हुआ, अब टीचर कहती हैं कि कल आप सब ने 30 दफ़ा, आई थिंक के 50 दफ़ा रोल नंबर लिख के लाने हैं। और क्या हुआ, हमने वो लिखना स्टार्ट किया पेजिस पर, हमें रोल नंबर याद हो गया। फिर जब क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम जब किसी एक और टीचर ने हमें बोला कि ये रोल नंबर वाइज स्टूडेंट कौन है, हम लोगों ने जल्दी बोला ये वो है ना, टीचर कहते वाह आपको तो सबके रोल नंबर याद है। तो फिर हमें ये बात याद आई कि देखिए हमारी वो टीचर ने हमें पनिशमेंट दी थी रोल नंबर की, लेकिन हमें वो याद हो गया, ठीक है। तो इसी तरह फॉर्मूलाज को भी बहुत दफ़ा लिखा करें तो आपको याद हो जाएगा, जिस तरह हमें देखे इतना ज़्यादा नंबर का वो रोल नंबर याद हो गया, तो फिर ये तो फॉर्मूला बहुत ही छोटी सी चीज़ है, ठीक है, ये भी आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो इसी किस्से पर ये वाला जो किस्सा है ये हो जाता है पूरा। आगे बढ़ते हैं, इसी को हम लोग यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर पे होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा बी स्क्वायर पे होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, एंड ये हो जाएगा ए फोर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी फोर, एंड दैट्स ऑल, ये हमारे पास हो गया है आंसर, ठीक है। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा हमारे पास आंसर आ गया, क्योंकि हमें फार्मूला याद था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, एंड अगर आपका भी कोई ऐसा अच्छा सा किस्सा हो याद करने पे और पनिशमेंट पे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आई विल शेयर दैट किस्सा इन माय वीडियो, ताकि और लोगों को भी पता चले कि जो स्टूडेंट होते हैं उनको कैसे पनिशमेंट से चीज़ें याद हो जाती हैं, ठीक है ना। तो जो ऐसी पनिशमेंट्स होती हैं याद भी बहुत रहती हैं, और हमें अपने किस्सों में, ठीक है ना। एंड देखें जैसे मैंने शेयर की, वैसे बाकी लोग भी होते हैं, फिर वो लोग भी शेयर करते हैं कि उनके साथ भी ऐसा हुआ था किस्सा और उनको वो चीज़ याद हो गई थी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे हमें गिवन है 24x³ - 3, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखें तो हम लोग इसको डायरेक्ट क्यूब नहीं बना सकते, मतलब हमें सॉल्व करना है पहले, तो हम लोग डायरेक्ट नहीं बना सकते। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से हम लोग 3 को कॉमन ले लें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 8x³ + 1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। नाउ अगर हम इसको देखें, इसको हम लोग क्यूब बना सकते हैं, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2x³ + 1³। 1 का हम लोग क्यूब ले ले, 4 ले ले, कुछ भी ले ले, 1 ही आएगा। तो ये हो गया ना, एज वी नो हमारा फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है, हमारा फॉर्मूला है a प्लस बी
ए क्यूब माइनस ए ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। तो चलिए इसको पुट कर देंगे यहाँ पे। ये अच्छा, ये जो थ्री है इसको हमें यहीं पे कॉमन लेंगे। ये ना आप बोले फॉर्मूले में थ्री नहीं है तो हम भी नहीं लिखेंगे, वो जो कॉमन चीज़ है उसको तो कॉमन ही लेना है आपने ना। ये हो जाएगा हमारे पास किस तरह से, ये हो जाएगा हमारे पास ए, इधर ए क्या है, इधर ए हमारे पास टू एक्स प्लस वन, ठीक है, एंड ये हो जाएगा टू एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू एक्स, और वन को वन, बी को वन लिखूंगी तो वन ही रहेगा, प्लस ये हो जाएगा वन का होल स्क्वायर, तो वो वन ही रहेगा। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं, इसको ओपन कर दें। ये हो जाएगा थ्री, ये हो जाएगा टू एक्स प्लस वन, ये हो जाएगा हमारे पास टू का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टू का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, एंड दैट्स ऑल, हमारे पास आंसर आ गया है। ठीक है, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर थ्री भी सॉल्व हो गया। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। तो चलिए आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। भाई क्यूब वाला फार्मूला, क्यूब लगाएंगे एंड देन हमें पता चल जाएगा कि क्यूब हम लोग किस तरह से जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा हमारे पास, लगता है इसमें पूरी ख़त्म हो गई है ना। चलिए इसके बाद एक ब्रेक लेंगे एंड अच्छी सी एक लिंक डालेंगे इसमें। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए वन का क्यूब, एंड अगर हम लोग यहाँ पर देख लें तो थ्री का क्यूब हम ले सकते हैं, थ्री आर का क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला किस चीज़ का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये किस चीज़ के इक्वल होगा, ये होगा हमारे पास ई को। अच्छा, यहाँ पर ब्रैकेट लगाए ना लगाए डजेंट मैटर, क्योंकि वैसे भी जो पावर है वो तो एलिमेंट्स पे है, मतलब टर्म्स पे लगी है। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, एंड ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए, ये हो जाएगा बी, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी, ए स्क्वायर प्लस थ्री मतलब ए बी, और ये हो जाएगा प्लस थ्री का स्क्वायर लेंगे नाइन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एंड दैट्स ऑल, ये हमारे पास आंसर हो गया। तो मैंने क्या किया, अब मैं क्वेश्चन नंबर फोर पर आ गई हूँ, यानी काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए। तो अब मैंने देखो फार्मूले में डायरेक्ट लिख दिया एंड डायरेक्ट जो है स्क्वायर भी अप्लाई कर दिया। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है। देखिए एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, बस खत्म। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव पर आ गए हैं, यहाँ पर हमें टू एक्स क्यूब माइनस वन ट्वेंटी एट की मैंने, तो चलिए इसका क्यूब किस तरह से बनाएंगे एंड ये भी देख लेते हैं। अगर सबसे पहले देखें तो हम लोग इससे ले सकते हैं टू को कॉमन, ठीक है, ताकि हमारे पास सिम्प्लीफाई हो जाए, ईजी हम इसका क्यूब बना सकें। बिकॉज टू है तो हम लोग इसका क्यूब नहीं बना सकते, तो टू को हमें हटाना पड़ेगा, तो टू को कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब एंड माइनस, इधर से भी कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया हमारे पास 64, ठीक है ना, 64। नाउ 64 का क्यूब बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा x क्यूब और ये हो जाएगा माइनस, अगर हम लोग 64 4 का क्यूब लेंगे तो 64 आ जाएगा हमारे पास। नाउ यही से फॉर्मूले को ओपन करेंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब, एंड अगर आप कह रहे हैं प्लस माइनस का आपको कैसे पता चलता है, प्लस वाला फॉर्म है माइनस वाला, तो देखिए यहाँ से, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा a माइनस b एंड ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये a है, ये b है, और जो 2 को हमने कॉमन लिया है तो उसको अपने एज इज कॉमन ही लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस फोर और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स और ये हो जाएगा प्लस, और 4 का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 16। तो यहाँ पर मैंने 16 लिख दिया डायरेक्ट एंड ये हो गया। अब क्या हो जाएगा 2x माइनस फोर और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स, एंड दैट्स ऑल, हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका है। ठीक है, होप कि आपको समझ आ गई होगी किस तरह से इसको हम लोग इसीलिए सॉल्व कर रहे हैं। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ।